नमामि सद्धर्म विदां वरिष्ठम। हे भगवन, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। आप अपने भक्तों के माया बंधन को, संसार के बंधन को मिटाने वाले, काटने वाले कुठार हैं। आप कृपा करके मुझे भी उपदेश करो, मेरी माया निवृत्त हो और मुझे भी परम गति की प्राप्ति हो। माँ देवहूति ने जब अपने पुत्र कपिल से इस प्रकार प्रश्न किया तो कपिल भगवान अपनी माँ को उपदेश करते। कपिल भगवान ने अपनी माँ को जो उपदेश किया है इसका नाम कपिलोपाख्यान है। श्रीमद्भागवत महापुराण में कपिल जी का जो उपदेश है बड़ा ही अद्भुत है। कपिल भगवान कहते हैं, माँ निःश्रेयस की प्राप्ति के लिए जीव को आध्यात्मिक योग करना चाहिए। योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निःश्रेयसाय मे अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। हे माँ, आध्यात्मिक योग के द्वारा ही जीव को निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। और निःश्रेयस क्या है? बोले सुख और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति। सुख और दुख ये दोनों सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएं, हम सुख दुख से परे हो जाएं, इसके लिए जीव को आध्यात्मिक योग करना पड़ता है। आध्यात्मिक योग क्या है? बोले अपने मन को, अपने चित्त की वृत्तियों को भगवान से जोड़ना, इसी का नाम योग है। महर्षि पतंजलि योग शास्त्र में कहते हैं, योगस्तु चित्तवृत्ति निरोधः। हमारी चित्त की वृत्तियां जो संसार की ओर जाती हैं, ये चित्त की वृत्तियां संसार की ओर न जाकर भगवान की ओर चली जाएं, इसी का नाम योग है। अपने चित्त की वृत्तियों को हम भगवान से जोड़ दें, इसी का नाम योग है। और इस योग को पाने के लिए कई मार्ग है। ज्ञान का मार्ग भी है, कर्म का मार्ग भी है, भक्ति का भी मार्ग है। जिस किसी मार्ग से हम अपने चित्त की वृत्तियों को भगवान से जोड़ दें तो वही योग बन जाता है। उसी को आप भक्ति योग कह लो, ज्ञान योग कह लो, सांख्य योग कह लो, वो सब योग की कोटि में आ जाते हैं। अब इस योग की प्राप्ति कैसे होगी? तो कपिल भगवान कहते हैं, मां योग की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम कुसंग का त्याग करके, कुसंग का त्याग करके सत्संग करना चाहिए। प्रसंगमजरम पाशम आत्मन कवयो विदुः सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कुसंग का त्याग कर साधु का संग हो तो योग की प्राप्ति होती है। अगर हम कुसंग का त्याग करें, संतों का संग करें, तो हमारे लिए मोक्ष का द्वार खुल जाता है। प्रश्न हुआ, संत कौन, किन संतों का हम संग करें, संत की परिभाषा क्या है? लाल पीला वस्त्र पहने वो संत, खूब बड़ा तिलक लगावे वो संत, जो बहुत बड़े मठ का मठाधीश हो वो संत। कहते हैं ये सब तो बाह्य चीजें हैं। संत की वास्तविक परिभाषा ये है, तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। कपिल भगवान कहते हैं, जिसके जीवन में तितिक्षा हो, जिसके जीवन में करुणा हो, जो सबका सुहृद हो, सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। जो अजात शत्रु हो, ऐसे जो पुरुष हैं, जो संत हैं, वो साधु समाज के भूषण हैं। मयि अनन्य भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढ़ां। जो अनन्य भाव से मेरे चरणों में भक्ति करते हों,
और मत कृते त्यक्त कर्माण, मेरे लिए जिन्होंने सब कुछ त्यागा हो, मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, मेरे आश्रित रहकर जो मेरी कथा को सुनते हो, मेरी कथा को सुनाते हो, ऐसे संत, ऐसे भगवत भक्त जीवन में मिले, उनका संग मिल जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। कपिल भगवान ने अपनी माँ को सत्संग की महिमा बताई और ऐसे संत महापुरुष जीवन में मिल जाएं तो उनकी कृपा से भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त होती है। संतों के समागम से, संतों के मिलन से ही भगवत प्रेम प्राप्त होता है। और बड़े ही सौभाग्य का विषय कि ऐसे पावन प्रसंग में पुष्कर पीठाधीश्वर श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री रामचंद्राचार्य जी महाराज एवं नागौरिया पीठाधीश्वर डीडवाणा श्रीमद् जगद्गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज आचार्य द्वय पधार रहे हैं। आपके चरणों में प्रणत निवेदन करते हुए भूरि भूरि सुस्वागत। बोलो श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम, हरे रामा भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
बड़े ही आनंद का क्षण कि दिव्य महापुरुषों का दिव्य दर्शन हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है और प्रसंग भी बड़ा ही मार्मिक और अद्भुत। कपिल भगवान का आख्यान और श्री कपिल भगवान संतों की महिमा का ही वर्णन कर रहे। मई अनन्य भावेन भक्तिम कुरवंति ये दृढ़ाम, मेरे चरणों में जिनकी अनन्य भाव से भक्ति हो, जो मेरी कथा को सुनते हो, मदाश्रया कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, ऐसे संतों का संग मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। ऐसे संतों की कृपा हो जाए तो भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो जाती है। इसीलिए कहा, संतों के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन 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 के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ऐसे नहीं बनेगी, आप भी गाओ और ताली बजा करके सब लोग। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागरे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई। 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 राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। दुर्ग जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। दुर्ग जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। दुर्ग जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। दुर्ग जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस करेंगे। 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 मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी।
करछी बनेरी मोहिनी सा में बहुत दिन सोयो 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 जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी बनेगी सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी ओए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी ओए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी बोलो श्री संत भगवान की जय 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 श्री राधे। आज
मंच पर इतने संत भगवान का दर्शन हो रहा है, आचार्य चरण का दर्शन हो रहा है। संत में और भगवान में कोई अंतर नहीं। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं। देवर्षि नारद भी भक्ति सूत्र में कहते हैं, तस्मिन तज्जने भेदाभावात्, उस परमात्मा में और तदीय जनों में भेद का अभाव है। भगवान और भगवान के परम आत्मीय संत जन दोनों में अभेद है। और संतों की कृपा के बिना भगवान का दर्शन, भगवत भक्ति और भगवत प्रेम, इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक संतों की कृपा न हो, तब तक भगवान की प्राप्ति, भगवत भक्ति की प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति संभव ही नहीं। और इसके अतिरिक्त संसार में कुछ भी किसी ने पाया, चाहे मति पाई, चाहे गति पाई, चाहे कीर्ति पाई, चाहे भूति पाई, चाहे भलाई पाई, सब कुछ सत्संग के प्रभाव से ही प्राप्त हुआ। मति कीर्ति गति भूति भलाई, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब जही जतन स्वामी पाद कहते हैं कि मति कीरति गति भूति भलाई, जह जब जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। लेकिन ऐसा सत्संग, संतों का समागम कैसे मिले, ऐसे विशुद्ध संत मिले कैसे? तो फिर गोस्वामी जी कहते हैं, जब भगवान अपनी कृपा दृष्टि से हमें देखते हैं, तभी ऐसे संतों का दर्शन हमें प्राप्त होता है। संत विशुद्ध मिलई परते ही, राम कृपा कर चितवहीं देही। जिस पर भगवान अपनी कृपा दृष्टि डालते हैं, उसी को संतों का दर्शन प्राप्त होता है। संतों की अद्भुत महिमा है। और कपिल भगवान ने सत्संग की महिमा, सत्पुरुषों की महिमा का वर्णन किया। आगे कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र के सिद्धांत का वर्णन किया। सांख्य एक दर्शन है, जिस दर्शन में पंचविंशति तत्व का वर्णन करके प्रकृति और पुरुष का निरूपण किया। पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, पांच तन्मात्राएं, मन बुद्धि चित्त अहंकार और पुरुष, ये सांख्य दर्शन, जो कपिल भगवान का सांख्य दर्शन है, ये शेश्वर सांख्य है। और वर्तमान में जो सांख्य दर्शन विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, वो तो सांख्य अनीश्वरवादी है। लेकिन भागवत में जो सांख्य दर्शन कपिल भगवान ने, इसे भी जानना चाहिए। क्या हमें नहीं करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए,
इन दोनों को समझना चाहिए। कपिल भगवान कहते हैं माँ, भक्ति योग में लगे हुए व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुकूल अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम दैवाल्लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुकूल अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म का पालन न करके, स्वधर्म का त्याग करके अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो वह भक्ति पाखंड बन जाती है। गीता में भगवान ने बार बार स्वधर्म पर बल दिया है। गीता में बार बार भगवान स्वधर्म की प्रेरणा देते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करो, स्वधर्म के द्वारा ही मेरी आराधना करो, अपने स्वधर्म में ही मर जाना श्रेयस्कर है, परधर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। ये स्वधर्म क्या है? बोले चार वर्ण और चार आश्रम। इन वर्ण और आश्रम का जो धर्म है यही स्वधर्म है। आप जिस वर्ण में हैं, जिस आश्रम में हैं, आपके उस वर्ण के लिए, उस आश्रम के लिए जो विहित कर्तव्य है वही स्वधर्म है। और अपने स्वधर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करना यही श्रेयस्कर मार्ग है। कपिल भगवान कहते हैं कि स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपने स्वधर्म का तो अपनी शक्ति के अनुकूल पालन करो जितना कर पाओ, लेकिन दूसरे के धर्म का, बोले विधर्माच्च निवर्तनम, जो दूसरे का धर्म है उस धर्म का तुम निवर्तन करो। स्वधर्म का पूरा पूरा पालन नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के धर्म का पालन मत करो, क्योंकि वो दूसरे का जो धर्म है वो तुम्हारे लिए धर्म नहीं है। आज इन बातों को समझे बिना हर व्यक्ति केवल अनुकरण करता है, वो ऐसा कर रहे हैं इसलिए हम भी ऐसा कर, वो क्यों कर रहे हैं, उनका वो धर्म है, तुम्हारा वो धर्म नहीं है, तुम्हारे लिए जो धर्म है वो तुम करो। आगे कपिल भगवान कहते हैं मां, भक्ति मार्ग में लगे हुए व्यक्ति को संतोष धारण करना चाहिए। दैवाल्लब्धेन संतोष, प्रारब्ध से, भाग्य से जो मिला है उसमें हम संतुष्ट रहें। और आत्मविचरणार्चनम, जो आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष हैं ऐसे पुरुषों का, संतों का हम वंदन करें, उनकी सेवा करें, उनका समर्चन करें। और ग्राम्य धर्म का त्याग करके मोक्ष धर्म का हम अनुसरण करें। आहार भी हमारा शुद्ध हो, हम भक्ति के मार्ग में लगे हैं लेकिन हमारा आहार शुद्ध नहीं है तो भक्ति और साधना सफल नहीं होगी। कपिल भगवान कहते हैं मां, मितमेध्यादनम सस्वत विविक्त क्षेम सेवनम। साधना में लगे हुए व्यक्ति को सीमित और पवित्र आहार करना चाहिए। मितम सीमितम, मेध्यम पवित्रम, सीमित और पवित्र आहार ग्रहण, तभी बुद्धि शुद्ध होती है, तभी भगवान के भजन में और भक्ति में मन लगता है। आहार अगर शुद्ध नहीं है तो भगवान के भजन में, भगवान की भक्ति में मन लगेगा ही नहीं। क्यों? बोले जैसा हम आहार करते हैं वैसा ही हमारा मन होता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। ये हिंदी का वाक्य बड़ा प्रामाणिक है, ठीक ऐसा ही वाक्य वेदों में आया, यो अनिष्ठम तन मनः। हम जो ग्रहण करते हैं उसका जो अत्यंत सूक्ष्म भाग होता है वही हमारे मन को ऊर्जा देता है, इसलिए हम जैसा अन्न खाएंगे हमारे मन को वैसी ही प्रेरणा प्राप्त हो। इसलिए आहार भी शुद्ध हो, सीमित और पवित्र आहार करने पर ही बुद्धि शुद्ध रहती है और तभी भगवान का चिंतन होगा, शास्त्र का चिंतन होगा,
और हम सन्मार्ग पर चल पाएंगे। इसी को भगवान श्री रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य में विवेक कहा है। जात्याश्रय निमित्त दुष्ट अन्नात काय शुद्धिर विवेक, अर्थात जाति आश्रय निमित्त तीन प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध अन्न का हम सेवन करें, यही विवेक है। कपिल भगवान ने कहा, मां इन सारे नियमों का पालन करते हुए अहिंसा, सत्य, स्तेय, इन सारे धर्मों